इन दिनों बिहार के कई जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर शिक्षकों के साथ ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के दोनों चरण में बहाल हुए शिक्षकों की पोस्टिंग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। इनमें अधिकांश शिक्षक बाहर के हैं, इसीलिए वो शहरी क्षेत्र के विद्यालय में आना चाह रहे हैं, जबकि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक भी आए दिन होने वाली पोस्टिंग को लेकर संशय में है। शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग की चाहत रखने वाले शिक्षक ठगों के निशाने पर हैं। भागलपुर जिले में अब तक दो शिक्षिकाओं से 25,000 और 20,000 रुपए ठगे जा चुके हैं। इनमें से एक शिक्षिका भागलपुर जिले के गौराहडी प्रखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है, जबकि दूसरी भागलपुर जिले के सहकुन प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। दोनों शिक्षिकाओं ने पत्रकारों को नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि अगर नाम छपेगी तो विभाग के साथ साथ घर और समाज और स्कूल में भी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि 16 मई को जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर ठगी हुई है। पटना के शिक्षा विभाग के कर्मी के नाम पर ऑनलाइन पैसा लिया गया है। शिक्षिकाओं ने बताया है कि उनकी मुलाकात जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर के रास्ते के किनारे एक चाय की दुकान पर दलाल के रूप में ठग से मुलाकात हुई थी। मनचाही जगहों पर पोस्टिंग के लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात भी कही गई थी, लेकिन पहले किस्त में राशि लेने के बाद से उक्त ठग या फिर दलाल का नंबर ही नहीं मिल रहा है और ना ही वो शिक्षा विभाग कार्यालय के आसपास दिखता है। बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार वर्तमान में किसी भी प्रकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। पहले सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा और इसको लेकर पिछले दिनों डीईओ राजकिशोर शर्मा द्वारा पत्र भी जारी किया गया था। डीईओ ने बताया है कि सक्षमता परीक्षा की पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जानी है। अगर उसमें कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह मनचाही पोस्टिंग दिला सकता है तो वह सरासर गलत है। शिक्षक व शिक्षिका ऐसे दलाल और साइबर फ्रॉड के लोगों से बचे रहे। जी हाँ, अगर आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अगर आपको भी ऐसे मौके मिलते हैं और ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए, हम आपकी गांव के क्षेत्र से नौकरी हटाकर शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर पोस्टिंग करा देंगे, तो ये बात सरासर गलत और झूठ होगा। इसमें ना फंसे, इस जाल में ना फंसे, आपके साथ भी ठगी हो सकता है, क्योंकि ऐसा गिरोह अभी बिहार में सक्रिय है जो कि शिक्षा विभाग के नाम पर बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं से पैसा वसूल रहे हैं और फिर उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। फिलहाल बिहार में किसी भी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जा रही है। अगर आपको भी ऐसा मौका मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि इतने पैसे दीजिए, हम आपके गांव को क्षेत्र से हटाकर आपकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में करवा देंगे, यानी आपका ट्रांसफर करा देंगे, तो इस बात में बिल्कुल ना फंसे। अगर कोई ऐसा इंसान आपको कुछ इस टाइप की बातें कर रहा है तो सबसे पहले पुलिस थाने में बताएं और ऐसी बिल्कुल भी ना करें, वरना आप इस गिरोह के सक्रिय में फंस सकते हैं और आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है और शायद ये भी हो सके कि इनके चक्कर में आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान में रहें और ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग वाले गिरोह से बच कर रहें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।